अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि नूर तो बिल्कुल पागल ही हो चुकी है अपनी मोहब्बत में, यानी नूर सास से दिलो जान से बेपनाह मोहब्बत करती है और अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए नूर कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद नूर यानी बीजान का सहारा ले रही है अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रही है नूर। जिसके बाद नूर के वालदा उसको समझाते हैं और कहती हैं कि बेटा ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम गलत रास्ते पर चल रही हो। लेकिन नूर तो बेचारी इतनी पागल हो गई अपनी मोहब्बत में, उसको किसी की बात समझ नहीं आ रही। नूर के वालदा उसको समझाती और कहती हैं कि नूर ये जो तुम कर रही हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, पीछे हट जाओ अपने रास्ते। जिसके बाद नूर कहती है कि नहीं, मैं अपनी मोहब्बत से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत के जरिए अपने ख्वाब देखे और अपने ख्वाबों की तकमील मैं पूरी करके ही रहूंगी। यानी नूर तो सास को हासिल करके ही रहेगी और सास से शादी उसका जुनून और मोहब्बत और इश्क दीवानगी बन चुका है। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे सास का दिल तो बिल्कुल परी में ही है, वो परी से दिलजान से मोहब्बत करता है, उसको तो पता भी नहीं है कि नूर उससे मोहब्बत कर बैठी है, यानी यक तरफा मोहब्बत कर बैठी है। जबकि सास तो परी से मोहब्बत करता है और परी भी इंटरेस्टेड है सास में। सास परी को फ़ोन मिलाता है और उसे यही कहता है कि मम्मा रिश्ते के लिए राजी हैं। तो पापा आज तुम्हारे घर क्या बात हुई, यानी तुम्हारे पेरेंट्स एग्री हो गए हैं इन शराइत के लिए। जिसके बाद परी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, यानी सास और परी की शादी दोनों एक दूसरे से चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके शादी के दरमियान सास की वालदा आई हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि परी उनके घर की बहू बने, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे शराइत रख दी हैं जो परी के घर वाले मानने से साफ साफ इनकार कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हूर की शादी हो रही है फाहद से और फाहद एक नंबर का झूठा इंसान है, धोखा दे रहा है हूर को। हूर की शादी होने जा रही है लेकिन फाहद ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो हूर से शादी करने के बाद उसको ब्लैकमेल करेगा, यानी उसके सिर्फ झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। लेकिन हूर बड़ी परेशान सी हो गई है जब उसको ये बात पता चलती है कि उसने अभी तक अपने घर वालों को मेरे बारे में नहीं बताया और ना ही फहद बताएगा, सिर्फ उसने अपने दोस्तों को बताया है, क्योंकि वो एक नंबर का आवारा इंसान है। हूर अभी भी संभल जाए, यानी ये ड्रामा नाज़रीन हूर परिनूर तीन सहेलियों पे बनाया गया और तीनों की ज़िंदगी एक दूसरे से रिलेट कर रही है। आपको ड्रामा से हूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी किन तरह का हिसाब कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से अहूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि नूर तो बिल्कुल पागल ही हो चुकी है अपनी मोहब्बत में, यानी नूर सास से दिलो जान से बेपनाह मोहब्बत करती है और अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए नूर कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद नूर यानी बीजान का सहारा ले रही है अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रही है नूर। जिसके बाद नूर के वालदा उसको समझाते हैं और कहती हैं कि बेटा ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम गलत रास्ते पर चल रही हो। लेकिन नूर तो बेचारी इतनी पागल हो गई अपनी मोहब्बत में, उसको किसी की बात समझ नहीं आ रही। नूर के वालदा उसको समझाती और कहती हैं कि नूर ये जो तुम कर रही हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, पीछे हट जाओ अपने रास्ते। जिसके बाद नूर कहती है कि नहीं, मैं अपनी मोहब्बत से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत के जरिए अपने ख्वाब देखे और अपने ख्वाबों की तकमील मैं पूरी करके ही रहूंगी। यानी नूर तो सास को हासिल करके ही रहेगी और सास से शादी उसका जुनून और मोहब्बत और इश्क दीवानगी बन चुका है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे सास का दिल तो बिल्कुल परी में ही है, वो परी से दिलजान से मोहब्बत करता है, उसको तो पता भी नहीं है कि नूर उससे मोहब्बत कर बैठी है,
यानी यक तरफा मोहब्बत कर बैठी है, जबकि साद तो परी से मोहब्बत करता है और परी भी इंटरेस्टेड है साद में। साद परी को फ़ोन मिलाता है और उसे यही कहता है कि मम्मा अब रिश्ते के लिए राजी हैं। तो पापा आज तुम्हारे घर क्या बात हुई, यानी तुम्हारे पेरेंट्स एग्री हो गए हैं इन शराइत के लिए। जिसके बाद परी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, यानी साद और परी की शादी दोनों एक दूसरे से चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके शादी के दरमियान साथ की वालदा आई हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि परी उनके घर की बहू बने, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे शराइत रख दी हैं जो परी के घर वाले मानने से साफ साफ इनकार कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि हूर की शादी हो रही है फाहद से, और फाहद एक नंबर का झूठा इंसान है, धोखा दे रहा है हूर को। हूर की शादी होने जा रही है लेकिन फाहद ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो हूर से शादी करने के बाद उसको ब्लैकमेल करेगा, यानी उसको सिर्फ झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। लेकिन हूर बड़ी परेशान सी हो गई है जब उसको ये बात पता चलती है कि उसने अभी तक अपने घर वालों को मेरे बारे में नहीं बताया और ना ही फहद बताएगा, सिर्फ उसने अपने दोस्तों को बताया है, क्योंकि वो एक नंबर का आवारा इंसान है। हूर अभी भी संभल जाए, यानी ये ड्रामा नाज़िर हूर परीनूर तीन सहेलियों पे बनाया गया और तीनों की ज़िंदगी एक दूसरे से रिलेट कर रही है। आपको ड्रामा से हूर परीनूर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमत रह का हिसाब कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हूर परीनूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हूर परीनूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परीनूर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि नूर तो बिल्कुल पागल ही हो चुकी है अपनी मोहब्बत में, यानी नूर साद से दिलो जान से बेपनाह मोहब्बत करती है और अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए नूर कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद नूर यानी बीजान का सहारा ले रही है अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रही है नूर। जिसके बाद नूर की वालदा उसको समझाते हैं और कहती हैं कि बेटा ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम गलत रास्ते पर चल रही हो। लेकिन नूर तो बेचारी इतनी पागल हो गई अपनी मोहब्बत में, उसको किसी की बात समझ नहीं आ रही। नूर के वालदा उसको समझाती और कहती हैं कि नूर ये जो तुम कर रही हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, पीछे हट जाओ अपने रास्ते। जिसके बाद नूर कहती है कि नहीं, मैं अपनी मोहब्बत से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत के जरिए अपने ख्वाब देखे और अपने ख्वाबों की तकमील मैं पूरी करके ही रहूंगी। यानी नूर तो साथ को हासिल करके ही रहेगी और साथ से शादी उसका जुनून और मोहब्बत और इश्क दीवानगी बन चुका है। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे साथ का दिल तो बिल्कुल परी में ही है, वो परी से दिलजान से मोहब्बत करता है, उसको तो पता भी नहीं है कि नूर उससे मोहब्बत कर बैठी है, यानी यक तरफा मोहब्बत कर बैठी है। जबकि साथ तो परी से मोहब्बत करता है और परी भी इंटरेस्टेड है साथ में। साथ परी को फ़ोन मिलाता है और उसे यही कहता है कि मम्मा अब रिश्ते के लिए राजी हैं। तो पापा आज तुम्हारे घर क्या बात हुई, यानी तुम्हारे पेरेंट्स एग्री हो गए हैं इन शराइत के लिए। जिसके बाद परी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, यानी साद और परी की शादी दोनों एक दूसरे से चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके शादी के दरमियान साद की वालदा आई हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि परी उनके घर की बहू बने, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे शराइत रख दी हैं जो परी के घर वाले मानने से साफ साफ इनकार कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि हूर की शादी हो रही है फाहद से, और फाहद एक नंबर का झूठा इंसान है, धोखा दे रहा है हूर को। हूर की शादी होने जा रही है लेकिन फाहद ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो हूर से शादी करने के बाद उसको ब्लैकमेल करेगा, यानी उसको सिर्फ झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। लेकिन हूर बड़ी परेशान सी हो गई है जब उसको ये बात पता चलती है कि उसने अभी तक अपने घर वालों को मेरे बारे में नहीं बताया और ना ही फहद बताएगा, सिर्फ उसने अपने दोस्तों को बताया है, क्योंकि वो एक नंबर का आवारा इंसान है। हूर अभी भी संभल जाए, यानी ये ड्रामा नाज़रीन हूर परीनूर तीन सहेलियों पे बनाया गया और तीनों की ज़िंदगी एक दूसरे से रिलेट कर रही है। आपको ड्रामा से हूर परीनूर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमत रह का हिसाब कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से हूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हूर परिनूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि नूर तो बिल्कुल पागल ही हो चुकी है अपनी मोहब्बत में, यानी नूर सास से दिलो जान से बेपनाह मोहब्बत करती है और अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए नूर कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद नूर यानी बीजान का सहारा ले रही है अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रही है नूर। जिसके बाद नूर की वालदा उसको समझाते हैं और कहती हैं कि बेटा ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम गलत रास्ते पर चल रही हो। लेकिन नूर तो बेचारी इतनी पागल हो गई अपनी मोहब्बत में, उसको किसी की बात समझ नहीं आ रही। नूर के वालदा उसको समझाती और कहती हैं कि नूर ये जो तुम कर रही हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, पीछे हट जाओ अपने रास्ते। जिसके बाद नूर कहती है कि नहीं, मैं अपनी मोहब्बत से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत के जरिए अपने ख्वाब देखे और अपने ख्वाबों की तकमील मैं पूरी करके ही रहूंगी। यानी नूर तो सास को हासिल करके ही रहेगी और सास से शादी उसका जुनून और मोहब्बत और इश्क दीवानगी बन चुका है। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे सास का दिल तो बिल्कुल परी में ही है, वो परी से दिलजान से मोहब्बत करता है, उसको तो पता भी नहीं है कि नूर उससे मोहब्बत कर बैठी है, यानी यक तरफा मोहब्बत कर बैठी है। जबकि सास तो परी से मोहब्बत करता है और परी भी इंटरेस्टेड है सास में। सास परी को फ़ोन मिलाता है और उसे यही कहता है कि मम्मा रिश्ते के लिए राजी हैं। तो पापा आज तुम्हारे घर क्या बात हुई, यानी तुम्हारे पेरेंट्स एग्री हो गए हैं इन शराइत के लिए। जिसके बाद परी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, यानी सास और परी की शादी दोनों एक दूसरे से चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी शादी के दरमियान सास की वालदा आई हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि परी उनके घर की बहू बने, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे शराइत रख दी हैं जो परी के घर वाले मानने से साफ साफ इनकार कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हूर की शादी हो रही है फाहद से और फाहद एक नंबर का झूठा इंसान है, धोखा दे रहा है हूर को। हूर की शादी होने जा रही है लेकिन फाहद ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो हूर से शादी करने के बाद उसको ब्लैकमेल करेगा, यानी उसके सिर्फ झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। लेकिन हूर बड़ी परेशान सी हो गई है जब उसको ये बात पता चलती है कि उसने अभी तक अपने घर वालों को मेरे बारे में नहीं बताया और ना ही फाहद बताएगा, सिर्फ उसने अपने दोस्तों को बताया है, क्योंकि वो एक नंबर का आवारा इंसान है। हूर अभी भी संभल जाए, यानी ये ड्रामा नाज़रीन हूर परिनूर तीन सहेलियों पे बनाया गया और तीनों की ज़िंदगी एक दूसरे से रिलेट कर रही है। आपको ड्रामा से हूर परिनूर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी किन तरह का हिसाब कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।